मथुरा के हिंदू हैं जो जागे, जिन्होंने दीपावली मनाई और बड़े धूमधाम से मनाई, इसे ही दीपावली कहते हैं। असली दीपावली त्रिपुरा में मनी है बेटा, त्रिपुरा में। मैं मानता हूं कि आज हिंदुओं ने वो दीपावली मनाई है, शायद कभी ना मनी ऐसी दीपावली। और त्रिपुरा के हिंदू जाग चुके हैं, और ऐसा जाग गए तो समझो अगर पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जाग गए तो मैं कहता हूं सिस्टम गोल हो जाएगा, तुम्हारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये तो त्रिपुरा के हिंदू हैं जो जागे, जिन्होंने दीपावली मनाई और बड़े धूमधाम से मनाई, इसे ही दीपावली कहते हैं। असली दीपावली त्रिपुरा में मनी है बेटा। नॉलेज चैनल, अभी जो वीडियो आपने देखी है इसका नाम है सुरजी दिए, आपने आपको हिंदू शेयर बॉय कहता है। इसका कहने का मतलब है कि त्रिपुरा में जो आपके दिवाली मनाई गई है उसे ही असली दिवाली कहते हैं। कहने का सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जो मुसलमानों के साथ व्यवहार किया गया है, जो मस्जिदों की बेहरमती की गई है, जो मुसलमानों के घर जलाए गए हैं, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हुई है, उसको ये अपनी भाषा में समझा रहा है कि ऐसे ही दिवाली मनाई जाती है। और साथ ही साथ बोल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू अगर जाग गए तो जगह जगह ऐसे ही दिवाली मनाई जाएगी। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ऐसे खुले हुए आतंकवादियों को, ऐसे समाज का माहौल ख़राब करने वाले लोगों को खुला सरकार ने छोड़ रखा है, इसकी वजह क्या है? क्या सरकार चाहती है कि बार बार समाज में दंगा हो, लोग भड़कें? इन जैसे लोगों को जब तक सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक ये लोग समाज का माहौल ख़राब करते रहेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इल्तजा है, सभी हिंदू मुसलमानों से मैं इल्तजा करता हूँ कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, ऐसे लोगों को जेल के अंदर डलवाओ, नहीं तो ये हमेशा से हमेशा तक हिंदुस्तान को एक नहीं होने देंगे। मुसलमानों के खुले हुए दुश्मन जो ये संगी लोग हैं, जिस तरह की विचारधारा ये रखते हैं, जिस तरह की विचारधारा ये मुसलमानों के लिए अप्लाई करते हैं, उस तरह से कभी भी देश नहीं चल सकता और कभी भी एकजुट लोग नहीं हो सकते। तो इससे मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी दिवाली त्रिपुरा में मनाइए, सोच के जिस दिन ऐसी दिवाली तेरे घर, तेरे परिवार में, तेरे पड़ोस में मनाई जाएगी तो तेरा क्या हाल होगा। वो दिन दूर नहीं जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, समझ रहे हो आप? जब एक तरफ से आवाज़ उठती है तो दूसरी तरफ से भी आवाज़ उठती है। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजाई जाती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हुआ कि इसके पड़ोस में, इसके मोहल्ले में इस तरह की कोई वारदात हो, तब इसको पता चलेगा कि दिवाली क्या होती है। चार लौंडों ने इसको घेर लिया था तो ये रोते रोते सबने भीख मांगता फिर रहा था, सबसे मदद की गुहार लगा रहा था। आज ये एक YouTube चैनल पे बैठ करके एक वीडियो बना करके खुले आम मुसलमानों के घर जलाए गए, मस्जिदें जलाई गईं, लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती हुई, उसका खुला हुआ समर्थन कर रहा है और सीना चौड़ा करके बोल रहा है कि दिवाली ऐसी मनाई जाती है। बहुत ही जल्द इसको पता चलेगा कि दिवाली कैसी मनाई जाती है। तो मैं अपने भाइयों से अपील करता हूं कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, इसे जेल में डलवाओ, ये माहौल ख़राब करने वाला है। जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता हम खामोश नहीं बैठेंगे, लगातार इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमारे साथ आप लोगों से भी अपील करते हैं कि आप लोग भी इस जैसे लोगों के ख़िलाफ़ अपील करो। और मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जान लेने वाला और जान देने वाले में से जान देने वाला बड़ा होता है। किसी की जान बचाना मानवता का कार्य होता है, किसी की जान लेना कायर और डरपोक लोगों का काम होता है। चंद मुसलमानों के ऊपर भीड़ के रूप में आके हमला कर देते हो, तुम इसको बहादुरी समझते हो? अगर तुम बहादुर हो तो अपनी बहादुरी मैदान में दिखाओ। चंद लोगों के ऊपर भीड़ के रूप में आके हमला कर देते हो, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। तो मैं आज अपने भाइयों से अपील करता हूं कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, और मैं इस मुहिम में सबसे आगे हूं। अब मेरा साथ देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे आगे बढ़ाओ, ताकि मेरी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि क्या व्यवहार हो रहा है, किस तरह से जुल्म ज़्यादती हो रही है। फिर मिलूंगा एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जो मेरा भाई चैनल पर बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। अल्लाह हाफिज़।